नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अंशुमन राजहंस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी हैं। आपने अब से पहले शायद ही ये नाम सुना होगा, लेकिन अंशुमन राजहंस ने जो काला कारनामा किया है उसके बाद वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। तो कौन है अंशुमन राजहंस और उसने क्या कारनामा किया है, उसकी पूरी कुंडली बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल आईएफएस अधिकारी अंशुमन राजहंस एक इंजीनियर युवती को शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने का आरोपी है। अंशुमन पुलिस केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस को तभी से इसकी तलाश थी, लेकिन आखिरकार 2020 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी अंशुमन को दिल्ली पुलिस ने बंगाल के सियालदह से गिरफ्तार कर लिया। अंशुमन पर लगे आरोपों के मुताबिक 2017 में यूपीएससी की तैयारी के दौरान ठाणे की रहने वाली एक इंजीनियर युवती जो दिल्ली के राजेंद्र नगर में ही यूपीएससी की तैयारी करने आई थी, उससे अंशुमन ने नज़दीकियां बढ़ाई और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाए। अंशुमन राजहंस बतौर वन सेवा अधिकारी झारखंड के ही चाईबासा में पोस्टेड है और देवघर का रहने वाला है। अंशुमन की गिरफ्तारी से उसका पूरा परिवार सदमे में है। अंशुमन की मां साधना झा सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं, वहीं पिता रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हैं। बचपन से ही अंशुमन के मन में सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा तमन्ना थी। उसने 10वीं की पढ़ाई बिहार के बौसी स्थित SKP विद्या विहार से 92.1% अंक के साथ की और इंटर बांका के अद्वैत मिशन से की। इंटर में अंशुमन ने 89.6% अंक हासिल किए थे। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने से पहले अंशुमन राजहंस ने दिल्ली IIT से साल 2011 से 15 में फिजिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद से ही वो सिविल सर्विसेज की तैयारियों में जुट गया था, लेकिन अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर लेने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन उसकी किस्मत चमकी और साल 2018 में अंशुमन राजहंस ने एक साथ 3 परीक्षाएं पास की, जिनमें UPSC सिविल सर्विसेज, IFS और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस शामिल थी। सिविल सर्विस में अंशुमन राजहंस को 365 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में 11वीं रैंक मिली थी। IFS अधिकारी अंशुमन राजहंस के खिलाफ दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़िता ने बताया था कि साल 2017 के दौरान वो UPSC की तैयारी करने राजेंद्र नगर आई थी, जहां अंशुमन से उसकी जान पहचान हुई। इस दौरान अंशुमन ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और फिर साल 2018 में IRTS में सिलेक्शन हो जाने के बाद जब शादी के लिए उस लड़की ने उसे कहा तो अच्छी रैंक का हवाला देकर अंशुमन ने बात को टाल दिया। फिर इसके बाद साल 2020 में अंशुमन IFS के लिए सेलेक्ट हुआ। पीड़िता के मुताबिक उस वक्त अंशुमन ने मंदिर में जाकर शादी तो की, लेकिन उसकी तस्वीरें नहीं लेने दी गई और बाद में अंशुमन उस शादी से ही मुकर गया। फिर इसके बाद पीड़िता अपनी शिकायत लेकर राजेंद्र नगर थाना पहुंची और दुष्कर्म का केस दर्ज करवा लिया। तो ये थी IFS अधिकारी अंशुमन राजहंस और उस पर लगे आरोपों की पूरी कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।